ब्लैक हेड निंजा मैडम, चेस्ट में पेन होता है 3 मंथ से है और कभी कभी ब्रेथलेसनेस लगता है, प्रॉब्लम होती है। मेरा पेट खराब था वैसे बहुत मन से और कभी कभी इरेगुलर हार्ट बीट होती है, होती थी एक दिन जोर से। ओके, ऑल टेस्ट आर नॉर्मल। हे गाइस, वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लैक हेड निंजा जी, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर आप बोल रहे हो कि आपके सभी टेस्ट नॉर्मल है, आपने आई एम अज्यूमिंग कि आपने ईसीजी किया है, आपका ईसीजी नॉर्मल आया है, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। अगर आपने ईसीजी नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट दैट इमीजिएटली गेट अ ईसीजी डन। दूसरा, आपने जो भी कंप्लेंट्स बताए हैं उससे मैं ये डिडक्ट कर पा रही हूँ कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डेफिनेटली है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी आपको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है, जिसको हम लोग GERD के नाम से भी जानते हैं। तो आपको जो है वो बेसिकली हाइपर एसिडिटी है। तो हाइपर एसिडिटी आपको 2-3 रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम कीजिए, आपके डाइट में आप फाइबर युक्त खाना ज़्यादा लीजिए। सोने से 2 घंटे पहले आपका डिनर ख़त्म कर दीजिए। सोने से पहले अगर आपको भूख लगे तो हल्का आप मिल्क ले सकते हो या फिर आप फ्रूट ले सकते हो। खाने में ज़्यादा तीखी चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, ये सब चीज़ें आप मत लीजिए। अपने जनरल प्रैक्टिशनर या किसी भी कंसल्टिंग फिजिशियन को, या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्ट करके आप एक एंटासिड, एक जो कॉमनली रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में यूज होता है, वो एंटासिड एक प्रिस्क्राइब करवा लीजिए। प्रिस्क्राइब करने के बाद उसका एक 2 से 3 महीने का कोर्स कर लीजिए, तो ये जो आपको कंप्लेंट्स है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे। आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है और ये सब आपको प्रॉब्लम्स है। ये कभी कभी चेस्ट पेन जो होता है वो एसिडिटी की वजह से भी होता है। तो आपने अगर ईसीजी नहीं करवाया तो ईसीजी करा लीजिए। अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है तो इसका मतलब आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको अपने सवाल के जवाब चाहिए तो आप जल्दी से लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के वीडियोस पोस्ट करूं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।